बोल बोल कर तो बदनाम होता जा रहा हूं मैं। क्या हज क्याम के बारे में गुज़िश्ता जुमा कह दिया, कितने फोन आए। अरे आदमी ये देखते नहीं आदमी क्या कह रहा है, ये देखते हैं किसको कह रहा है। मुझे क्या जरूरत मैं इसको बोलूं कि उसको बोलूं, मुझे जरूरत है क्या हलाल वो बयान करूं, क्या हराम वो तक बोलते रहेंगे, हराम को हराम मौत तक बोलते रहेंगे, हलाल को हलाल मौत तक बोलते रहेंगे। किसी की मोहब्बत हमारी तकरीरों पर असर पैदा नहीं कर सकती और किसी का गुस्सा हमारा उनवान बदल नहीं सकता। जो बोलना है वो बराबर डंके की चोट में बोलते हैं। एक अल्लाह का बंदा कहता पूरे बेंगलुरु में तुम्हें एक ही क्या मौलवी साहब। मैंने कब कहा मैं तन्हा मौलवी साहब हूं, मैंने कब कहा मैं तन्हा खतीब हूं, मैंने कब कहा मैं तन्हा मुकर्रर हूं। मैं तो बड़े बड़े खतीबों का दामन थामने वाला एक तालिबे इल्म हूं। फिर वो अल्लाह का बंदा अहमकुल वजूद कहता दूसरे नहीं बोलते तो सिर्फ तुम क्यों बोलते हैं। अरे बेवकूफ जो नहीं बोलते उनको जाकर पूछ के तुम गलत देख कर क्यों नहीं बोलते। जो बोलते हैं उनको रोकने वाला फिरौन की नस्ल का होगा, हामान की नस्ल का होगा, अबू जहल की नस्ल का होगा। शराब को जायज कहूं मुझे आकर पूछ, अगर दूध को हराम कहूं मुझे आकर पूछ। मैं शराब को शराब हराम को हराम कहता हूं, चमचे उछलने लगते हैं, टीस्पून उछलने लगते हैं और इधर उधर कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे जान को नुकसान पहुंचा सकते हो लेकिन हक बोलने के उनवान में मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे साफ तुम्हारे लिए सर के ताज हो सकते हैं, तुम्हारे लीडर तुम्हारे लिए सर के ताज हो सकते हैं। शरीयत के निगाहों में गुनहगार गुनहगार है, खताकार खताकार है, निकोकार निकोकार है।